नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन बड़े बड़े कारणों की जिनकी वजह से भाई भाई में झगड़े होते हैं। ये रिश्ते जिंदगी के सबसे अनमोल रिश्तों में से एक होते हैं, पर कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव इतने बढ़ा जाते हैं कि घर का माहौल खराब हो जाता है। आज हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जो भाइयों के बीच दरार पैदा करते हैं। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन मनमुटाव को सुलझाकर प्यार और भाईचारे को बनाए रखा जा सकता है, क्योंकि एक मजबूत परिवार की नींव आपसी समझ, प्यार और एकता पर टिकी होती है। कहते हैं, धन और दौलत से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। ये बहुत दुख की बात है कि कई बार भाइयों के बीच भी इसी धन और दौलत को लेकर झगड़े शुरू हो जाते हैं। अगर माता पिता ने अपनी संपत्ति का बंटवारा अपने जीते जी साफ साफ नहीं किया होता है, तो अक्सर उनके जाने के बाद भाइयों में इस बात को लेकर झगड़ा होने लगता है कि किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि माता पिता ने संपत्ति का बंटवारा तो कर दिया होता है, लेकिन किसी एक भाई को लगता है कि उसे उसके भाइयों से कम मिला है। यहां पर उसका यह गुस्सा और नाराजगी अपने भाई से ही निकलता है और धीरे धीरे ये छोटी सी बात भी बड़े झगड़े का रूप ले लेती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि माता पिता समय रहते अपनी संपत्ति का साफ बंटवारा कर दें और साथ ही अपने बच्चों के बीच प्यार और भाईचारे का भाव भी बनाए रखें। भाइयों को भी ये समझना चाहिए कि पैसों से ज्यादा जरूरी रिश्तों की मिठास है। हर माँ बाप अपने हर बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कई बार जाने अनजाने में उनका बर्ताव अपने बच्चों के प्रति थोड़ा पक्षपाती हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि माता पिता का किसी एक बेटे से कामकाज में ज्यादा सहारा हो, या फिर किसी एक बेटे का स्वभाव दूसरे से ज्यादा मिलता जुलता हो। पर कई बार ये छोटी सी बात भी दूसरे भाई के मन में गलत धारणा पैदा कर सकती है। उसे लगने लगता है कि माता पिता उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। धीरे धीरे ये बात उसके मन में घर कर जाती है और वो अपने भाई से दूर होने लगता है। इसलिए माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि वे अपने बर्ताव में किसी भी तरह का पक्षपात न करें और सभी बच्चों को बराबर प्यार और इज्जत दें। बचपन से ही भाई एक दूसरे के साथ खेलते कूदते बड़े होते हैं। वे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, लड़ते हैं और एक दूसरे के साथ अपने सुख दुहक भी बांटते हैं। लेकिन कई बार यही मुकाबला बढ़ता जाता है और जलन का रूप ले लेता है। अगर एक भाई पिरहाई में तेज है तो दूसरा खेलकूद में आगे निकल जाता है। यदि एक भाई को अच्छी नौकरी मिल गई है तो दूसरे ने अपना व्यापार जमा लिया है। पर कई बार ये स्वाभाविक मुकाबला जलन में बदल जाती है। एक भाई दूसरे की कामयाबी से जलने लगता है और उससे दूरियां बनाने लगता है। ये जरूरी है कि भाई एक दूसरे की कामयाबी की खुशी मनाए और एक दूसरे को बढ़ावा दे। याद रखें, मुकाबला जिंदगी को मजेदार बनाता है, लेकिन जलन रिश्तों में जहर घोलने का काम करती है। चैप्टर 4। किसी भी परिवार को एक गाड़ी की तरह माना जा सकता है जिसके सभी सदस्य उसके पहिए होते हैं। अगर सभी पहिए बराबर चलेंगे तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। ठीक उसी तरह परिवार में भी सभी सदस्यों को अपनी अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिम्मेदारियों का बंटवारा बराबर नहीं हो पाता। हो सकता है कि एक भाई पर जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा हो और दूसरा अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटता नजर आए। ये बात धीरे धीरे मन में कड़वाहट पैदा करती है और भाइयों के बीच दूरी बनाने का काम करती है। इसलिए जरूरी है कि परिवार में सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाएं। चैप्टर 5। कई बार भाइयों के बीच
झगड़े का कारण कोई बाहर वाला भी बन जाता है। ये व्यक्ति उनका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, या फिर कोई पड़ोसी भी। हो सकता है कि ये व्यक्ति जानबूझकर भाइयों के बीच गलतफहमी पैदा कर रहा हो, या फिर अनजाने में ही उसकी बातों से उनके बीच दरार पैदा हो गई हो। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि भाई किसी भी बाहर वाले की बातों में आकर अपने रिश्ते को खराब न होने दें। उन्हें कोई भी बात को बिना सोचे समझे या बिना किसी पुष्टि के मान लेना चाहिए, और न ही किसी के कहने पर अपने भाई पर शक करना चाहिए। भाइयों को चाहिए कि वे अपनी बातचीत खुद करें और किसी भी समस्या का समाधान आपस में ही निकालने की कोशिश करें। चैप्टर 6। कहा जाता है कि बात करने से बात बनती है और चुप रहने से दूरियां बढ़ती हैं। भाइयों के बीच भी यही बात लागू होती है। अगर भाई एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करेंगे, अपनी बातें नहीं शेयर करेंगे, तो धीरे धीरे उनके बीच दूरियां बढ़ने लगेंगी। हो सकता है कि एक भाई के मन में दूसरे के लिए कोई गलतफहमी हो या फिर कोई शिकायत हो, लेकिन बात न करने की वजह से वो बात मन ही मन बढ़ती रहे और रिश्ते में खटास आ जाए। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि भाई एक दूसरे से खुलकर बात करें, अपने सुख दुख शेयर करें, और अगर कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करें। याद रखें, बातचीत ही वो पुल है जो रिश्तों को मजबूत बनाता है और उन्हें टूटने नहीं देता। भाई भाई का प्यार हमेशा बना रहे। इन सभी कारणों के बावजूद अगर भाई भाई के बीच बातचीत अच्छी हो, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान हो और समस्याओं का समाधान मिलजुल कर किया जाए, तो झगड़े कम हो सकते हैं और आपसी समझ बढ़ सकती है। जिंदगी में रिश्ते ही हमारा सबसे बड़ा धन होते हैं, और इनमें भी भाई भाई का रिश्ता सबसे अनमोल होता है। इसलिए आइए हम सभी मिलकर इस रिश्ते की अहमियत को समझें और इसे हमेशा प्यार और अपनेपन से भरा रखें। धन्यवाद।